कि मैं उस घर में दिया जगाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबको शिक्षा चिकित्सा एक समान। क्या बात है, ये तो पिछली बार भी आ जाते हैं। पार्टी नेतृत्व अगर पिछली बार मेरे को मौका देती तो मैं उनको दोपहर ही गुण पकड़ने देता, पिछली बार ही कर देता कागज का। मैं उनको दोपहर ही गुण पकड़ने देता, पिछली बार ही कर देता कागज का। काफी लीडरशिप कहते भी नाम ना लूँ तो अच्छा है, भाई फलानी टीम फलाने टीम फलानी टीम, हम उस टीम की ऐसे टीम की लीडरशिप हम नहीं करते। किस पे टॉन्ट मार रहे हो? पार्टी अगर हाईकमान मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं भी जनताओं के भावनाओं को देखते हुए उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। रणजीत और आदित्य जो है बीजेपी में है, इन एलो में जो है अभय चौटाला जी है, ओम प्रकाश चौटाला जी है, दुष्यंत चौटाला जी, अजय चौटाला जी जो है जेजेपी में है, और हर कोई दावा करता है कि ताऊ देवीलाल की सोच को नीतियों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ? नीति एक सभी की है तो पार्टी अलग अलग क्यों चुननी पड़ी? इस हार से बात करूं, आपकी राजमाता ने चुनाव लड़ा, आप जैसे साथियों ने जो काफी मेहनत भी की, लेकिन फिर भी क्या उम्मीद थी भाई चलो थर्ड फोर्थ की लड़ाई सोच रहे थे, फिफ्थ पोजिशन तक पहुंच जाएंगे? नमस्कार, मैं अंकित और हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। फिलहाल हांसी विधानसभा में मौजूद हैं। पिछले कई दिन से आप बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के लगातार इंटरव्यू देख रहे थे, लेकिन आज जो है हमारे साथ जो नेता है जेजेपी से टिकट की इच्छा रखते हैं, रविंद्र सैनी जी। भाई जी नमस्कार, स्वागत है। जी नमस्कार जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से और मेरी पार्टी जननायक जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्कार। बात करूं मैं आपकी पार्टी की, आजकल अगर ये कहे बुरे दौर से चल रही है तो गलत नहीं होगा। लोकसभा के परिणाम आए बड़े खराब आए, पिछली बार जो आपकी विधानसभा में अच्छी खासी 10 सीटें आ गई थी, आप सरकार में बहुमत, आपके बहुमत माफ कीजिएगा, सरकार में भागीदारी आपकी रही, लेकिन उसके बाद जो है 4.5 साल बाद आपकी अलग होगी पार्टी, अकेले दम पे चुनाव लड़ा और जनता ने कह सकते कि नकार दिया बुरी तरह से, क्या कहना चाहोगे? देखिए ये जो चुनाव था ये भारतवर्ष के सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव था, उसमें लोगों की भावनाएं थी कि हमने जो है प्रधानमंत्री की ओर देखना, प्रधानमंत्री कौन है। उसमें राष्ट्रीय पार्टियां जो नेतृत्व कर रही थी और जो उनके साथ क्षेत्रीय पार्टी उनके साथ जुड़ी हुई थी जिन जिन राज्यों में, हरियाणा में लेकर भी, अब देख लिए आप कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट पे आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ रहा था और आम आदमी पार्टी का हरियाणा में क्या कुछ भी नहीं है। ठीक है, उनका इंडिया गठबंधन के साथ अलायंस था, उनको सीट मिल गई, समझौते में फाइट में लड़े। हम भी कहीं ना कहीं अगर राष्ट्रीय पार्टी किसी साथ या भाई यूं कह लो भाई, चाहे वो इंडिया गठबंधन होता या भाई हम एनडीए में कहीं ना कहीं गठबंधन के साथ होते तो हमारे ही परिणाम कुछ और ही होते। लेकिन लोगों की जो भावनाएं तो उनको हम स्वीकार करते हैं, हम किसी न किसी मुद्दे के ऊपर विधानसभा में हरियाणा जो सरकार में शामिल होते हुए उनकी कार्यों पर कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंची, हम खड़े नहीं उतर पाए और लोगों का मन था कि भाई हमने नेतृत्व राष्ट्रीय लेवल पर देखना है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन हो। इसलिए लोगों ने हमारे को नकारा नहीं है, ये एक उनकी एक सोच कह सकते हैं कि उनकी सोच राष्ट्रीय लेवल की अलग थी और जब आगे आगामी समय में विधानसभा के जब चुनाव होंगे तब हमारे प्रति लोगों का प्यार प्रेम दोबारा से उभर के आएगा और लोगों के सामने हम जाएंगे, दोबारा जनता के बीच में जाएंगे, लोगों से अपील करेंगे और कहेंगे अगर हमारे से कोई त्रुटियां गलती हुई हैं और हमारे नेतृत्व पार्टी नेतृत्व के प्रति से अगर किसी कार्यकर्ता किसी पदाधिकारी या आम पब्लिक आम जन को आम वोटर्स को उनकी भावनाओं के प्रति हम खड़े नहीं उतर पाए हैं तो हम क्षमा याचनाएं हैं कि भी हम आगे ऐसी गलतियों को नहीं दोहराएंगे और आपके कार्यों के प्रति खरा उतरने का काम करें। इस हार से बात करूं, आपकी राजमाता ने चुनाव लड़ा, आप जैसे साथियों ने जो काफी मेहनत भी की, लेकिन फिर भी क्या उम्मीद थी भाई चलो थर्ड फोर्थ की लड़ाई सोच रहे थे, फिफ्थ पोजीशन तक पहुंच जाएंगे? नहीं देखिए उसमें बात तो वहीं आ गई ना, जब चुनाव ही नेतृत्व जो रिपब्लिक का केंद्रीय नेतृत्व के इशारे भी चल रहा था कि भी हमने केंद्र में सरकार किसकी बनानी है। अगर राज्य का चुनाव होता तो निश्चित तौर पर हम फाइट में भी रहते और सीटें जीतते भी, लोगों का मन समय पे हम भी शायद हो सकता नहीं टटोल पाए कि भी लोगों की भावनाएं क्या है।
लेकिन पार्टी और वर्करों का मान सम्मान रखते हुए एक राजनीति की ये तो कहती है कि चुनाव लड़ोगे तो मैदान में रहोगे, तो चुनाव नहीं लड़ेगा हार और जीत से अगर डर के घर बैठ जाएंगे तो फिर पार्टी कैसे चलेगी। आज भी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों में ठीक है वोट हमें कम मिले हैं, उम्मीद से भी कम मिले हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में आगामी चुनाव को लेकर के काफी उत्साह और जोश है और पार्टी नेतृत्व हमारा जो है कि दोबारा से नए सिरे जब जिले वाइज हमारी मीटिंगें होगी, प्रदेश स्तर की मीटिंग होगी, उस पर कार्यकर्ताओं में दोबारा से जोश भरने का काम करेंगे। एक बात करूं, आपकी चाहे सेनापति ले लो सरदार निशान सिंह, वो चले गए, कुछ विधायकों की जो है हर रोज खबरें आती है आज चले जाएंगे कल चले जाएंगे, तो बड़े बड़े लेवल के नेता ही छोड़ के जा रहे हैं, तो मतलब पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। देखिए ये पार्टी नेताओं की नर्सरी है, ये ताऊ देवलाल की सोच को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। इस पार्टी में आप आज जो कांग्रेस में बैठे हैं या भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं वो सभी तो ताऊ देवलाल के शिष्य के तौर पे काम किए हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनका आंदोलन हमेशा रहा, जेपी आंदोलन रहा, पुराने समय के लीडरशिप की आप लगाओ, चाहे वो मुलायम सिंह यादव जी हों, चाहे वो देवगौड़ा जी हों, इंद्र कुमार गुजराल जी हों, रामविलास पासवान जी हों, शरद यादव जी हों, लालू यादव जी हों, शिबू सोरेन जी हों झारखंड के, फारूक अब्दुल्ला जी हों जम्मू कश्मीर, कितनी लीडरशिपों के नाम आपको गिना दो कि जो उनकी टीम और उनके विचारधारा से जुड़े हुए जो लोग हैं ना वो कभी भी हार को हार इतनी जल्दी मानने वाले थोड़ा ही नहीं है। हम तो पब्लिक में रहने वाले आदमी है। ताऊ देवलाल जी कहते थे कि अभी सत्ता में रहो तो लोगों के काम करो, विपक्ष में रहो तो लोगों की भावनाओं पर खरा उतर के जो ना उनका उनका सम्मान जो सरकार के सामने लेकर के जाओ, उनकी इच्छाएं जो है सरकार ना सुन रही हो उनके प्रति काम करो। रणजीत और आदित्य जो है बीजेपी में है, इनेलो में जो है अभय चौटाला जी है, ओम प्रकाश चौटाला जी है, दुष्यंत चौटाला जी, अजय चौटाला जी जो है जेजेपी में है, और हर कोई दावा करता है कि ताऊ देवीलाल की सोच को नीतियों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ? नीति एक सभी की है तो पार्टियां अलग अलग क्यों चुननी पड़ी? नहीं पार्टियां वो तो पार्टियां क्या, ये तो आप जननायक जनता पार्टी और इनेलो की बात कर रहे हो, आप अदर्स पार्टी हैं चाहे वो कोई भी राज्य स्तरीय और सेंटर की, वो भी ताऊ देवीलाल की नीतियों पर चल रही है। जो उनकी सोच आज से 20-30 साल 40 साल पहले थी उन्हीं का अनुसरण करके ही पार्टी आगे बढ़ रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो लिखा था संविधान में, तो क्या उनकी बातों को इग्नोर कर रहा है? उनकी भी आप प्रतिमा लगा करके आज उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से ताऊ देवलाल जी जो है ना एक गरीब के किसान के मसीहा थे, उनकी एक सोच थी आम आदमी को आगे बढ़ाने की। आज पार्टियां अपना में थी वो अपना झंडा बैनर अपना ले रखे, लेकिन सोच उन्हीं की रहेगी और उनके सोच के मुताबिक ही चलेंगे। अब जो है बात अपनी हासी हल्के ही कर लेते हैं, हाँसी हल्के से चर्चा चल रही कि आप पूरी तैयारी करके बैठ चुके हो या फिर एक्टिव हो, फील्ड में जा रहे हो, आपने पूरी कमर कस ली है और इस बार मैदान में नजर आओगे, कितनी सच्चाई बात है? नहीं झूठाने की तो कोई बात नहीं इसमें, जननायक जनता पार्टी का एक एक सिपाही जो है ना कि पार्टी नेतृत्व जैसे आदेश देगा चुनाव लड़ने के तैयार है, और उसमें मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, पार्टी अगर हाईकमान मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं भी जनताओं की भावनाओं को देखते हुए उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करूँगा और पार्टी का जो एजेंडा है उस पे खड़ा उतरने का काम करेंगे। पार्टी के जो एजेंडे को पब्लिक में लेकर के जाएंगे, पहले भी लेकर के गए हैं, आगे भी ताऊ देवलाल की सोच और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की सोच को भाई दुष्यंत चौटाला जी ने सरकार में शामिल रहते हुए जो लोगों के काम किए हैं उनको बारीकी से लोगों के बीच में जाकर के बताएंगे भी हमने सत्ता में 4.5 साल रहे, आपकी भावनाओं के प्रति हमने काम किया और आगे भी आपकी भावनाओं के प्रति काम करेंगे, चाहे किसानों के खाद बीज की लड़ाई हो, चाहे नहरी पानी की लड़ाई हो, चाहे लोगों में आज देख रहे हो आप ये गर्मी का जो प्रकोप है, पेड़ पौधों की संख्या कम हुई है तो हरियाली को भी आगे बढ़ाएंगे ताकि पॉल्यूशन कम हो, आम लोगों में जो शिक्षा और चिकित्सा का जो अभाव है उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपकी जो आपने टीम तैयार करी है हाँसी हल्के में या आपके वर्कर आपके साथी है, कितने आश्वस्त है कि अगर टिकट मिल जाती है तो आप यहाँ से ये सीट पार्टी की झोली में डाल दोगे? देखिए पार्टी मेरा आप जो पूछ रहे हो कि भी आपकी टीम, मेरी टीम नहीं है, टीम है पार्टी नेतृत्व की, जननायक जनता पार्टी की टीम है। काफी लीडरशिप कहते भी नाम ना लूँ तो अच्छा है भाई, फलानी टीम फलाने टीम फलानी टीम, हम उस टीम की ऐसी टीम की लीडरशिप हम नहीं करते, हम पार्टी के प्रचार प्रसार की बात करते हैं हमेशा। ताऊ देवलाल की जो सोच है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी
उनके नेतृत्व में ताऊ देवलाल की सोच और जो आम जन की जो सोच है उनकी सोच के प्रति खरा उतरने का काम करेंगे, न कि टीम रविंदर सैनी या कुछ और, ऐसा नहीं। हम पार्टी के प्रति और पार्टी के वफादार होने के नाते उनके प्रति भावना रखते हैं, काम करेंगे, अलग से कोई टीम नहीं होगी। किस पे टोंट मार रहे हो? समझने वाले और देखने वाले सब समझते हैं जिन जिन में टोंट लग रहा है। काफी लीडरशिप ऐसी आई है हंसी में जो कहती है अपने आपको टीम मानती है, हम ऐसी टीम को टीम नहीं मानते। टीम तो वो होती है जो काफिला जो नगे अकेला चले और पीछे हजारों लाखों जुड़ते चले जाए, ये वो टीम थोड़ी नहीं, अभी जुड़े हजारों और रह जाए सो भी नहीं लाते। चलो दर्शक जो है बड़े सियाने हैं, कमेंट बॉक्स में भी बता देंगे। बात स्थानीय विधायक की कर लेते हैं, चाहे हजार करोड़ का मामला हो, पिछले लगभग 15 दिन से जो है पानी को जनता तरस रही है, वो कह सकते हैं कि विनोद बयाना जी जो है असफल साबित हुए हांसी के लिए? देखिए असफल तो वो पिछली विधानसभा में भी थे, ये तो पार्टी ने जो है अब की बार 400 पार का नारा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए दिया और पीछे हरियाणा गवर्नमेंट के लिए भी बनाने के लिए इन्होंने हरियाणा सरकार में अपनी सरकार बनाने के लिए बोला भी हम 75 पार। लोगों को ये माइंड चेंज हो गया, उनका डाइवर्ट हो गया कि भाई ऐसा क्या हो सकता है, पर हुआ भी नहीं, कहाँ 75 कहाँ 40। तो ये तो इनका धक्का लग गया क्या लोग के हिसाब से, ये तो पिछली बार भी हार जाते हैं। पार्टी नेतृत्व अगर पिछली बार मेरे को मौका देती तो मैं उनको दोपहर ही गुण पकड़ने देता, पिछली बार ही कर देता काम इसका। चलो वो ठीक है, आपकी पार्टी से जिसने मौका दिया था वो जो है फिलहाल आपकी पार्टी को छोड़ चुके हैं। बयाना साहब अगर बीजेपी से आ जाते हैं, कांग्रेस से चाहे उनको ले लो चाहे कोई और आ जाता है, और जेजेपी से आप आ जाते हो, तो इस बार वो कसर निकाल दोगे? बिल्कुल निकाल देंगे। खाली आप गांव में शहर में ढाणियों में जा भी आप जाके पूछोगे आपको अपना आप ही पता लगेगा, आपके चैनल के माध्यम से लोगों की भावनाएं क्या है, एकदम लोक सभा से विपरीत होगी, बड़ा रोचक बहुत उलट फेर होगा और मामला रोचक चलेगा। ये नहीं है कि भाई कांग्रेस एक तरफा कह दे कि हम जीत रहे हैं, बीजेपी कह दे कि हम जीत रहे हैं एक तरफा, ऐसा नहीं है। हम उस सोच को आगे बढ़ाने का काम करेंगे जिससे लोगों की जो भावनाओं को ठेस पहुंची है, पहले जो सोच के उन्होंने सत्ता में शामिल विधायक जी बैठे हैं इनको अब इनको सोचना चाहिए। मैं तो आप जैसे कि चैनल के माध्यमों से पता लगता है, अखबारों से, प्रिंट मीडिया से, कि भाई पानी का जो मामला था वो अब आसी विधानसभा है, 63 गांव है छोटे बड़े करके, इसमें शहर है, शहर को भी अलग अलग टुकड़ों में बांटना चाहते हैं जातिगत मायने दिखा करके, गांव को भी उसी तरीके से ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक राजनीतिक सोच नहीं है, ये बहुत छोटी सोच है। हमारी भावना है 36 बिरादरी को लेकर के होनी चाहिए, सभी हमारे अपने हैं, चाहे वो गाँव वासी गांव का रहने वाले हैं, चाहे शहर में, चाहे कॉलोनी में, चाहे ढाणियों में, पानी तो सबको चाहिए, गरीब अमीर सबको चाहिए। और जो सरकार एक पीने के पानी की व्यवस्था ना कर सकती हो वो क्या अपना आपको ये कहते भी हम विकास कार्य कर रहे हैं? बड़ी बात यह है स्थानीय विधायक जिस पार्टी में है वो पार्टी हरियाणा में भी और केंद्र में भी सरकार में है, तो रहे फिर क्या? अगर जो केंद्र में तो चलो इनका क्या नाम है, वो तो नरेंद्र मोदी जी का या उनके केंद्रीय नेतृत्व का अपनी भावनाएं थी लोगों की कि भाई उनको वोट दिया और वो आज सत्ता में बैठे हैं, लेकिन हरियाणा की जो जनता है वो देख रही है भाई किस तरीके से किसानों को इग्नोर किया गया, व्यापारियों को इग्नोर किया गया, गरीब तबका है, झुगड़ी झुपियों में रहने वाले लोग हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, कहीं किसी प्रकार के ना पानी की व्यवस्था ठीक समय पर हो पाई है, ना लाइट की व्यवस्था ठीक ना हो पाई है, आप कोई राशन कार्ड के प्रति ले लो, राशन कार्डों पे आप डिपुओं के माध्यम से लोगों को अनाज वितरण की चीज को लेकर के देख लो, आप कहीं चले जाओ, आप ये रोड पे जो साधन चल रहे हैं सरकार हरियाणा रोडवेज का जो चलता है सिस्टम, इसको आप लेकर के देख लो, कितने ही मुद्दे हैं जो आप आम जन में जाकर लगाओगे तो एक जगह पे एक मंच पे भी आप बोलना चाहोगे शाम हो जाएगी, इतने मुद्दे हैं। आज हरियाणा प्रदेश की सरकार के विरोध में बोलने के लिए बहुत मुद्दे हैं, और आम जन आज के दिन अनपढ़ लोग नहीं है, लोग समझते हैं जब ये बातें खेत खलियान में हुक्कों पे, नाई की दुकान पे, चाय की दुकान पे, पनवाड़ी की दुकान पे जब ये बात चलती है तो ये सत्य जो है ना सामने निकल के आता है ये, और आपके और मेरे कहने से कुछ नहीं, जनता जनार्दन सब जानती है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल और सबसे जरूरी सवाल है कि जो सत्ताहीन पार्टी है उसके मुख्यमंत्री बदलकर आपके समाज के आ गए हैं, तो आप अगर चुनाव में आओगे तो आपको अपने समाज से वोट लेते हुए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? देखिए वो प्रदेश की राजनीति की भावना है, उन्होंने अपना नेतृत्व जो हमारे समाज को नायब सैनी जी को दिया है, और
रही बात यहाँ 80 विधानसभा की, तो हर विधानसभा भाई तो 90 के 90 विधानसभा भी तो नायब सैनी नहीं लड़ेंगे, और 90 पे मैं भी नहीं लड़ूंगा। अब मेरी बिरादरी, अगर जो बिरादरी की बात पे जाए तो वो अलग चीज होती है। ये नहीं है कभी आज मेरी बिरादरी का मुख्यमंत्री है तो वो अगर कोई गलत काम करता है तो मैं उसकी खिलाफत नहीं करूंगा। गलत काम करेगा उसकी खिलाफत करेंगे, सही काम करेगा उसकी सराहना करेंगे। हम जिस मर्जी पार्टी में रहे, अच्छे कामों के लिए सभी अच्छे के लिए जाने जाएंगे, गलत के लिए जाने जाएंगे। इनका जब विरोध करने का काम होगा तो जब विरोध भी करेंगे, काम बढ़िया करेंगे तो इनकी सराहना करेंगे। लेकिन सराहना ये नहीं है कि हम उनकी जोड़ी में जाकर बैठ जाएंगे। हमारी जनता, जनता पार्टी की विचारधारा अलग है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग है। आशी जनता कोई सलाह या फिर कोई मतलब आपकी तरफ से आश्वासन कुछ देना चाहते हो? आश्वासन तो यही होगा जी कि जब हमें 80 विधानसभा की जनता प्यार से दुलार से हरियाणा की विधानसभा क्षेत्र में भेजने का काम करेगी तो ये यकीन भरोसे और विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि मैं उस घर में दिया जगाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबको शिक्षा चिकित्सा एक समान। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत। तो भाई फिलहाल जो आपने हमने वादा किया था कि हर पार्टी के हर नेता से आपकी मुलाकात करवाएंगे और मुकाबला जो है रविंद्र सैनी जी का कहना है कि आमने सामने का नहीं त्रिकोणीय होगा, अगर उनके पास टिकट आती है या नहीं भी आती है उनकी पार्टी से जो भी नेता आएगा उसके साथ जो है एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। आपकी क्या राय है खुलकर कमेंट करें, आप जो है कौन सी पार्टी के साथ हैं, हांसी के हालातों पर, हांसी के विधायक पर और हांसी पर आपकी जो भी राय है खुल के कमेंट करें। तब तक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बहुत बहुत धन्यवाद।